23 जून बाबा याद दिला रहे हैं, तुम्हारा ये जन्म हीरे समान है, इसमें बुद्धि को भटकाओ नहीं। चिंतनीय विषय है क्योंकि तुम्हें तरेसर जन्मों की आदत मिटानी है। योग बल से सारा अंदर का जो किचरा है आत्मा को निकालना है, तब तुम मेरे साथ घर चलोगे। घर है परम धाम, वहां है विश्राम। परम धाम शांति धाम में संपूर्ण विश्राम है। देखो बाबा आत्माओं से बात कर रहे हैं, तुम तरेसर जन्मों से थक गए हो, तुम घर जाते हो सारी थकान मिट जाती है, विश्राम कर लेते हो, आत्मा चैन में आ जाती है। बहुत गुह्य रहस्य है ये इस सृष्टि चक्र का, क्योंकि जन्म लेते लेते आत्मा थकती है, फिर उसे विश्राम अवश्य चाहिए। फ्रेश उसे होना है, अपने मूल संस्कारों को जगाना है, तो परम धाम में जाकर विश्राम करती है। लोग तो ऐसे ही कहते हैं, किसी का गुरु मरा, परम धाम चला गया, ब्रह्म में लीन हो गया। आवाज बहुत गहरी बात कह रहे कि जो पहली आत्माएं लक्ष्मी नारायण की, वही वापिस नहीं गए तो और कोई कैसे जा सकता है। जब तक तुम संपूर्ण पावन नहीं बनोगे, जब तक योग बल से सारा किचरा नहीं निकालोगे, तब तक तुम घर वापिस नहीं जा सकते। मुझे ही आना पड़ता है तुम्हें घर वापिस ले जाने के लिए, तुम वहां पे ही नहीं जा सकते। मैं सच्चित आनंद का सागर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, तुम मुझे लिबरेटर, गाइड, मुक्तिदाता, दुख हरता कहते हो, मेरी बहुत महिमा गाते हो, मैं तुम्हें भी वैसा ही महिमा योग्य बना देता हूँ। तुम भी लिबरेटर बन जाते हो, तुम भी सबके दुख हरता बन जाते हो। ये भारत तो बहुत साहूकार था, तुम भारत पे राज करते थे, भारत की महिमा कौन गा सकता है। भारतवासियों को आज भी सोने से बहुत प्यार है, गोल्ड से, सतयुग में, क्योंकि तुम्हारे पास सोने के महल थे। जैसे आजकल ईंटों के ढेर लगे रहते हैं, वहां सोने की ईंटों के ढेर थे, सोने चांदी की ईंटें होती थी। तुम्हारे धनदान के भंडारे भरपूर थे, तुम बहुत सुखी थे, वहां ये गंदे जानवर पंछी भी नहीं होते हैं, बहुत पक्षी जानवर नहीं होते, छोटी सी दुनिया है, साफ स्वच्छ, मच्छर मक्खी तो होते ही नहीं, संपूर्ण स्वस्थ वातावरण रहता है। तुम रहते भी हो गंगा यमुना के किनारे ही, छोटी सी तो दुनिया है, 9 लाख लोग। गायन बता रहे हैं, घट में चंदा, घट में सूरज, घट में 9 लाख तारे, गायन है भारत में, 9 लाख होते हो तुम बस। तो उसमें नदियों से कैनाल निकालें, पानी दूर दूर भेजें, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, तो कैनाल्स होते ही नहीं सतयुग में, 2 नदियां ही काफी होती हैं, गंगा और यमुना, उसके किनारे तुम रहते हो, तुम प्रकृति के मालिक बन जाते हो, प्रकृति तुम्हारे अधीन हो जाती है, बेकायदे बरसात नहीं होती, गर्मी नहीं होती, कोई भी तूफान नहीं होता है, सुनहरा मौसम होता है सदा ही, सब कुछ अपने टाइम पर होता है। बाबा आज हमारे भाग की महिमा कर रहे हैं और हमें सतयुग का सीन भी दिखा रहे हैं। पवित्रता पर ही यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, बच्चियां जिनको पवित्रता कारण मार पड़ती है, वो पुकारती हैं, बाबा जल्दी करो। बाबा के बहुत अच्छे शब्द हैं, बच्चे जल्दी कैसे करूं, पहले योग बल से तुम अपना किचरा तो निकालो। बहुत गहरी बातें हैं ये।
ऐसे नहीं भगवान के हाथ में है, वो कल ही सब कुछ खत्म करके सबको वापस ले जाएगा। आत्माएं स्वच्छ बने तब ही वापस जाएंगी, नहीं तो घर में कैसे बैठेंगी पतित आत्माएं। तो बाबा कह रहे बच्चे तुम्हें सब कुछ सहन तो करना ही पड़ेगा, सहन करो, बाबा की ताकत मिलेगी तुम्हें। यज्ञ में तो ये विघ्न पड़ते ही हैं, लोगों ने तो लिख दिया है कि असुर लोग यज्ञ में किचरा गोबर आदि डाल देते थे, परंतु यज्ञ में विघ्न असुरों के पवित्रता के कारण पड़ते हैं। लेकिन तुम्हें भी बहादुर बनकर रहना है। ब्रह्मा बाबा की कहानी सुनाई थोड़ी सी, देखो ये गांव का छोरा भी था, 10 आने मन अनाज भी बेचा इसने, बढ़ते बढ़ते हीरो का व्यापारी बन गया। कहते वायसराय के घर ऐसा जाता था जैसे अपना घर हो, राजाओं के महलों में भी ऐसे ही जाते थे जैसे अपने महल हों। इसके तन में मैंने प्रवेश किया है, मैं इसके द्वारा तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहा हूँ, तो हमें आज चिंतन करना है। इस हीरे तुल्य जन्म में, इस हीरे तुल्य समय में हमने अपनी बुद्धि को भटका तो नहीं दिया है? भटकाना भी अपने हाथ है, कंट्रोल करना भी अपने हाथ है। बाबा ने राजयोग सिखा दिया, इससे ये भटकन समाप्त हो जाती है। थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे कि हमें बुद्धि को भटकाना नहीं है। और बहुत गहरी बात जो कही, 63 जन्मों की आदतें मिटानी हैं, उसमें भी आदतें विषय विकारों की। तो अपने 5 स्वरूपों का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। देव स्वरूप हमारे सामने रहे, हम ऐसे परम पवित्र थे, तो धीरे धीरे 63 जन्मों के कोई भी संस्कार बदलते जाएंगे, और उसमें भी पिछले समय के, इसी जन्म के पिछले समय की जो भी बातें हैं, जिन्हें पास्ट की बातें कहते हैं, जो मनुष्य के मन पर बुरा प्रभाव डालती हैं, वो भी भूलती जाएंगी। वरदान है सोचना, बोलना और करना, तीनों को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तीव्र पुरुषार्थी भव। तो बाबा कह रहे हैं कि जो सारा ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसका सार है हर कर्म में, बोल में तुम्हारा फरिश्ता स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, तीनों समान हो जाएं, तब तुम बाप समान बनेंगे। ऐसे नहीं, सोचा तो नहीं था पर कर लिया, ये कहने वाली कमजोर आत्माएं हैं। तो तीनों को, सोचना, बोलना और करना, हमें संपूर्ण रूप से समान बनना है, तब हम तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है सेवाओं की जिम्मेदारी उठाना, अर्थात बाबा की एक्स्ट्रा मदद के पात्र बनना। तो आज हम अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा मोस्ट पावरफुल, सर्वशक्तिवान से शक्तियों की किरणें आ रही हैं, ये अग्नि का काम कर रही हैं, और अंदर जो विकारों का किचरा है, जो बुरे संस्कारों का किचरा है, जो पाप कर्मों का किचरा है, वो जलता जा रहा है, जैसे काला धुआं बाहर जा रहा है, नष्ट हो रहा है, आत्मा निर्मल होती जा रही है। बहुत सहज पुरुषार्थ है, हर घंटे में एक बार अवश्य कर लेंगे। ओम शांति।